हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवर इवोल्ड की एक और नई वीडियो में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने अपने इक्वस को टेम किया था, एंड वो देखो उधर है अपना इक्वस, वो है उधर 127 लेवल का हो गया इक्वस अपना। एंड अगर आपको नहीं पता कैसे टेम करते हैं इक्वस को, तो आप जाके पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें बताया कैसे टेम कर सकते हैं अपन इक्वस को, एंड क्या कुछ लगता है अपने को इक्वस को टेम करने के लिए। एंड ये इधर अपनी मेगा स्क्वाड है, 5 मेगाथीवियम तो इधर ये हैं टोटल, एंड 2 मेगाथीवियम्स जो इनके पेरेंट्स हैं वो लेके जाएंगे अपन। टोटल 7 मेगाथीवियम हो गए अपने, एंड जो ये 4 मेगाथीवियम्स हैं इन चारों का डेवलप करना है मेरे को अभी, क्योंकि इनके ऊपर भी ज़्यादा डेवलप किया नहीं है मैंने। ज़्यादा क्या, कुछ भी डेवलप नहीं किया है मैंने इनका, तो इनका डेवलप करूँगा मैं। तो 1200 का तो इनका मेजर डैमेज हो जाएगा, एंड 30,000 के अराउंड इनकी हेल्थ हो जाएगी 30K की। एंड ये अपने वैक्सीज हैं दोनों दोनों को मैंने डेवलप कर दिया अच्छे से। ये देखो 44,000 की हेल्थ है, एंड 1250 का मेजर डैमेज है। ये जनरेशन 2 है। अब मैं इनके पेरेंट का दिखाता हूँ आपको। 40,000 की हेल्थ है, ठीक है, एंड 1,000 का मेजर डैमेज है। तो 5,000 तो हेल्थ ज़्यादा है इसकी इससे, एंड 250 का मेजर डैमेज भी ज़्यादा है। तो ये थर्ड सेकेंड जनरेशन है, तो इसका भी सेम है, 43,700 की हेल्थ है एंड 1,248 का मेजर डैमेज है। दोनों 1,000 से प्लस का मेजर डैमेज देते हैं, मैंने चेक करके देखा था, दोनों का 1,000 से प्लस का मेजर डैमेज है। 1,007, 1,009 ऐसा कुछ मेजर डैमेज है इनका, एंड 40,000 से प्लस है दोनों की हेल्थ। तो दोनों रेडी हैं ब्रीडिंग के लिए, तो इनकी भी मैं ब्रीडिंग करूँगा थर्ड जनरेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीज के ऊपर मैं काफ़ी ध्यान दूंगा। क्योंकि इसमें तो इस फाइट में ब्रूड मदर में तो अपने को 2 ही वैक्सीज लगेंगे, बट जो अपना जाइगेंटोपिथिकस उसमें अपने सभी वैक्सीज लगेंगे, तो वैक्सीज के ऊपर मैं बहुत ध्यान दूंगा। क्योंकि सेकेंड बॉस फाइट में तो अपनी मेन आर्मी ही वैक्सीज की बनेगी, तो वैक्सीज के ऊपर तो अच्छे से ध्यान दूंगा मैं काफ़ी। एंड जहाँ तक जब तक इनका इंक्रीमेंट होएगा ना जनरेशन में, एंड मेरे को स्टेट्स में कुछ इंक्रीमेंट दिखेगा, तब तक मैं इसके ऊपर काम करता रहूँगा। एंड ये है अपना एक और यूट्रेनस, इसको 100% इम्प्रिंट कर दिया मैंने। एंड इम्प्रिंट होने के बाद इसकी अराउंड 7,000 की तो हेल्थ हो गई है वैसे इसकी, एंड अराउंड 500 के इसका मेजर डैमेज हो गया है। तो बाकी डेवलप कर दूंगा मैं इसका, अभी तो ये मैच्योरेशन स्टेज में है, 80% हुआ अभी तो मैच्योर ये। एंड ये फीमेल था, एंड ये मेल है अपना, ये 169 लेवल का है, एंड ये 175 लेवल का है, एंड इसका भी लगेगा टाइम काफ़ी, क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही निकाला मैंने इसको अंडे से। एंड इसकी हेल्थ ज़्यादा है, एंड मेजर डैमेज इसका थोड़ा सा कम है। जो अपना ये वाला यूट्रेनस था ना फीमेल वाला, इसकी मेजर डैमेज ज़्यादा थी, हेल्थ कम थी, बट इसकी हेल्थ ज़्यादा है मेल वाले की, एंड मेजर डैमेज थोड़ा सा कम है, बट कोई नहीं, कंपनसेट हो जाएगा ये तो आपस में जब दोनों की ब्रीडिंग होगी अपनी। एंड अभी देख तो मैं देखना देखूंगा इसका कि 100% इम्प्रिंट के बाद एस्टिमेट से मेरे हिसाब से 7,000 से प्लस तो हेल्थ चली जाएगी इसकी, एंड 4,000 के अराउंड हो जाएगा इसका मेजर डैमेज। तो अभी आज की वीडियो में अपन एक तो वो पकड़ेंगे एक डायनासोर, जो जैसे जो कंगारू जैसा होता है, मैंने इधर ही कहीं देखा था, मैं काफ़ी वीडियो से सोच रहा था उसको पकड़ने के लिए, बट बिजी अपन को और चीज़ों पे ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, टाइम नहीं निकल रहा था इसको पकड़ने के लिए। तो इसको पकड़ेंगे, प्रोकोप्टोडोन। एंड इसको टेम करने के लिए अपने को दो चीज़ें लगती है, या तो रेयर मशरूम्स लगते हैं अपने को, एंड आई थिंक एक चीज़ और थी, रुको मैं देख के बताता आपको। ये हाँ, ये लगता है प्लांट स्पीसीज एक्स सीड, या तो अपने को ये लगता है या अपने को रेयर मशरूम्स लगते हैं। अपने पास दोनों चीज़ है, प्लांट दिस इज ए वेरिएबल क्रॉप्स ग्रो प्रो टू ग्रो ए फाइटिंग लुकिंग डिफेंसिवली प्लांट विच वी सूट्स पॉइजनस स्पोर्स एट एनी इंटरलूपर्स। ठीक है, अच्छा अच्छा ये क्रॉप प्लॉट पे होता है, तो उगा के देखेंगे अपन इसको, बट मैं अभी उसको मशरूम से टेम करूँगा, तो इसीलिए मैंने मशरूम ले लिया है। एंड ये रख देते हैं वापस इसमें आइटम्स,
एंड सबसे अच्छी चीज़ कि ये जब अपना प्लांटेक्स सीड होता है ना, ये डिकम्पोज नहीं होता, इसीलिए इसको मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ। ये बहुत पता नहीं कैसे मिला था मेरे को, रेयर है ये, स्वाम्प में मिलता है जितना मेरे को पता है। ये स्वाम्प्स में जाके जहाँ से अपन रेयर मशरूम के ये बुशेज तोड़ते ना, वहाँ से मिलता है, क्योंकि अभी मैं स्वाम्प में जाके थोड़े से रेयर मशरूम लेके आया था, ख़त्म हो गए थे अपने पे रेयर मशरूम, तो इसीलिए भी है अपने पास ये। एंड अभी मेरे को थोड़े से वो लेने पड़ेंगे शोक डार्ट्स, ये आ गए शोक डार्ट अपने। एंड अगर इक्वस को टेम करने के लिए आपके पास किबल नहीं है ना, तो आप उसको क्रोप से भी टेम कर सकते हो इक्वस को, बट ये होता क्रोप से थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यार मेरे को ये डर है, ये गलती से भी अपने जो मेन डाइनो है ना उधर, उनके पास ना चला जाए, उनके पास गया तो मर जाएगा ये। हाँ इधर इसको कोई दिक्कत नहीं है, इधर सेफ एरिया अपना, आई थिंक अटक गया ये। मेरे को फर्स्ट पर्सन करने दो, क्योंकि थोड़ा सा फर्स्ट पर्सन में ज़्यादा अच्छा शूटिंग होता है। ड्यूड उधर मत जा, उधर मत जा, उनके पास मत जा। अगर ये उधर गया अपने गीगा के पास तो मारा जाएगा। डोंट गो देयर, यार मेरे को लगा ही था। बताओ इसी चीज का डर था मेरे को, ये इनके पास जाएगा एंड ये अग्रेसिव पे था अपना, एंड मेरे को पता था वो मरेगा फिर। अब क्या ही कर सकते हैं, निपटा दिया उसको बेचारे को। देखना पड़ेगा कोई और मिल गया तो अपने को वापिस। एको रख देता हूँ मैं, एंड आई डोंट थिंक सो कोई और मिलेगा अपने को। चलो तो एक काम करते हैं, कंगारू नहीं तो और कुछ पे देखते हैं, टेवर बर्ड पकड़ते हैं, क्योंकि टेवर बर्ड भी ठीक है पकड़ने के लिए वैसे। एंड मैं काम करता हूँ मशरूम्स को वापस रख देता हूँ, एंड सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बनानी है, बेसिक केबल बनानी है, क्योंकि अभी अपने यूट्रेनस ने बेसिक केबल मांगी थी एंड मैंने बनाई के बना के अभी इसको खिलाई एक बेसिक केबल, तो मेरे को ऐसा लगा कि अपने को बेसिक केबल भी बना लेनी चाहिए, क्योंकि डाइनोज मांगते हैं बेसिक केबल भी, तो बेसिक केबल बनाने के लिए मेरे को देखना पड़ेगा मेरे पास और एग है कि नहीं, क्योंकि मेरे को इसी चीज़ का डाउट है कि अपने पास बेसिक केबल के लिए एग नहीं है। बाकी मैं एक बार देखता अपने को कौन सा एग लगता है बेसिक केबल के लिए। एक्स्ट्रा स्मॉल एग लगता अपने को बेसिक केबल के लिए, एंड एक्स्ट्रा स्मॉल एग अपना एक तो पैरासोर का हो जाता है, डोडो का भी चलेगा एंड डिलोफोसोरस का भी चलेगा, तो देखने दो मेरे को अपने पास है। ये नहीं है, ब्रोंटो का भी नहीं चाहिए, पैरासोर का एग है, तीन है अपने पास पैरासोर के, तो तीन ही बनेगी बेसिक केबल। तो बेसिक केबल बनाने के लिए मैं काम करता हूँ कि थोड़े से पैरासोर्स को पकड़ते हैं अपन आज, फिर जिधर से अपन ने थैरिजिनोसोरस पकड़ा था ना उधर से पकड़ते हैं पैरासोर को, एंड अपना काम बन जाएगा। पैरासोर को पकड़ते हैं उधर जाके, एंड जितने फीमेल मिलेंगे सबको पकड़ेंगे, एंड मैं काम करता हूँ
जैप जैप जैप, स्टेमिना ठीक है, मूवमेंट स्पीड अपन बढ़ा नहीं सकते इसकी, तो मेजर डैमेज बढ़ा देता हूँ मैं इसका। यानी एक काम करता हूँ, मैं कॉयल पोड दे देता हूँ, जितने भी पैरासोप दिखेंगे ना अपने को सभी को टेम करते चलेंगे आज, ज्यादा नहीं देखेंगे, एक मेल एंड उसके ऊपर बाकी सभी फीमेल, ताकि एग बूस्टिंग मिले अपने को, क्योंकि बेसिक की बजी के ये अपने को चाहिए पैरासोस। एंड अभी चलते हैं एक बार थोड़ा सा उधर जहाँ पे पैरासोर मिलते हैं अपने को, मैप में देखने तो मेरे को इधर जाना पड़ेगा अपने को, सेंटर में रेड ओबेलिस्क एंड ग्रीन ओबेलिस्क के बीच में मिलते हैं अपने को। टेम करने के लिए तो अपन बैरीज का यूज़ कर देंगे, बैरी से टेम हो जाते हैं पैरासोर इजी पीजी, दिक्कत वाली बात नहीं है कोई भी। बट बोला जाना भूल गया मेरे को, बोला जाना चाहिए था, बोला भी नहीं है, खाना भी नहीं है, वापस जाना पड़ेगा। एंड पैरासोर आई थिंक मेजो बैरी देखती है पैरासोर को टेम करने के लिए, जितना मेरे को याद है, बाकी देखते हैं अनकॉन्शियस करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कौन सी बैरी लगती है। अभी चलते हैं एक बार नीचे, खाना लेता हूँ मैं थोड़ा सा, एंड कैंटीन भी फिल करनी पड़ेगी मेरे को, कैंटीन में पानी नहीं है अपनी। पहले तो थोड़ा सा खाना ले लेते हैं, ये खाने की कमी हो रही है अपने में, ये खाना आ गया। एंड ठीक है 50 हो गए कंप्लीट, एंड वो क्या लेना था, हाँ बोझा लेना था मेरे को, बोझा भूल गया था मैं अभी फिर से, ये है बोझे अपना। एंड और क्या चाहिए, बोझा आ गया अपने पे, हाँ कैंटीन और भर लेता हूँ मैं। ठीक है कैंटीन में पानी आ गया अपने पास, एंड अभी चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। पहले मेरे को देखने दो उसको कितनी देर में केयर चाहिए, 48 मिनट में तो काफ़ी टाइम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं अभी। तो मैं काम करता हूँ, आपको उधर जो ये सेंटर वाली लोकेशन है ना जिधर अपने को पैरासोर्स मिलते हैं उधर पहुँच के मिलता हूँ, ठीक है। A few moments later. तो गाइज अपन इधर आ गए हैं जहाँ से अपन ने अपना थेविजिनोसोरस पकड़ा था, एंड इधर मेरे को दिखाता है ये पैरासोर, ये है सामने, एंड ये 72 लेवल का मेल है, तो एक मेल चाहिए था अपने को, मेल तो हो गया, एंड डोडो क्या ये मेल है कि फीमेल, मेल डोडो है। अब बोझा निकाले थे एक, आई थिंक मेरे को कंगारू था ना जो अपना, उसको बोझा मार के टेम करना चाहिए था, हो गया एक में ही गया। एंड डालते हैं थोड़ी सी बेरीज, आई थिंक सो इसी बैरी से होता था ये टेम, हाँ यप इसी बैरी से होता था, मैजो बैरी से टेम होता था ये। एंड इसको रख देते हैं, इसको भी, ये इसके लिए हो जाएगा, एंड ये टेम हो रहा है इधर। एंड मैं काम करता हूँ, अब फीमेल देखते हैं अपन, मेरी तो आ गया अपने पे, फीमेल पर वैसे देखना अपने को, मेरा फीमेल भी था आई थिंक सो। एंड ट्वाइस सारा टॉस्ट भी पकड़ने थे वैसे तो अपने को, रेगुलर कीबल बनाने के लिए लगते हैं अपने को ट्वाइस सारा टॉप्स, मेल मेल
नोप नोप हो गया टेम आई थिंक सो। यप हो गया टेम, जल्दी हो जाता है टेम ये। एंड सेकेंडरी एक और देखना अपने को, इधर मेटल है वैसे, शाइन देगा मेटल काफ़ी, बट मेटल अभी नहीं देंगे अपन। मेटल के ये अब मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन आऊँ एंड इसको रोबिन के साथ अपने उसको उठा के ले आऊँगा मैं, क्या बोलते हैं अपने मेटल कलेक्टर एंकी बॉय को, एंकी बॉय को लेके आ जाऊंगा रोबिन एंड का एयरपोर्ट में डाल के, एंड इधर से फिर मेटल लेके आ जाएंगे अपन वापस अपने बेस पे। ये खाई जावरी का पैरासोर भी देखा था मेरे को याद है, मैंने सामने क्या वो डीएफओ डीएफओ सर्विस मेल है। नोप एक 100+ जावरी का पैरासोर भी देखा था मैंने, मेरे को याद है। पहले तो एक काम करता हूँ, इसको काया बोर्ड में डाल देता हूँ, फालतू में कोई मार ना दे इसको। तुम काया बोर्ड में आ जाओ, नाइस। एंड देखने दो मेरे को थोड़ा सा, कहीं नीचे वीचे तो नीचे जा गया वो, क्योंकि 100+ सजावट का था इधर पैवेसो एंड मैंने उसको मारा नहीं था। उधर वही ट्राइसेराटॉप्स है, देखते हैं जो उधर मिल जाएगा वैसे, वरना फिर अपने को पानी के पास भी मिल जाएगा कोई ना कोई पैरासोर। तो फीमेल चाहिए अब अपने को, कॉम्पी कॉम्पी, वैसे तो कॉम्पी को भी टेम कर सकते हैं अपन। यप मेल कॉम्पी है, दोनों काम नहीं चलेगा। पैरासोर बेस्ट है, मच्छर है ये एंड देख रहे हो हिम्मत कितनी है इनमें। ये क्या है, जेंडर क्या है तुम्हारा, फीमेल? नोप डोडो डोडो नहीं, आई मीन पैरासोर देखने पड़ेंगे मेरे को। उधर भी एक ट्राई का, एक तो ये बारिश जो होने लग जाती है भाई, दिखता भी नहीं है कुछ ढंग से। मेज है ये भी, एक तो बारिश में कुछ दिखता भी नहीं है ढंग से, ऊपर से रात वैसे हो रही है। मेरे को लग रहा है मेरे को ऑफलाइन देखने पड़ेंगे पैरासोर्स, या ऑफलाइन देखने पड़ेंगे पैरासोर्स। तो मैं एक काम करता हूँ, बेस पे चलते हैं अपन वापस, क्योंकि अपने यूट्रेनस को केयर चाहिए थी एंड मैं नहीं चाहता कि इम्प्रिंटिंग रह जाए, 50% इम्प्रिंटिंग रह जाएगा वरना उसका। तो अभी बेस पे चलते हैं, तो मैं आपको बेस पे पहुंच के मिलता हूँ फिर, क्योंकि जल्दी से जल्दी मेरे को बेस पे पहुंचना पड़ेगा। एंड या एक काम करते हैं, बेस पे चलते ही यहाँ पहुंच के क्या मिलता हूँ मैं, बेस पे चलते हैं एंड डायरेक्शन देखने दो, उस डायरेक्शन में जाना अपने को, उधर उस टावर को, वाइट टावर को फॉलो करना अपने को। एंड मेरे को लग रहा है कि मेरे को ऑफलाइन देखने पड़ेंगे डोडो,
आई मीन ये पैवासोस, क्योंकि पैवासो ढूंढने पड़ते हैं, जब चाहिए तब कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं ऐसा क्यों है, जब किसी चीज को मैं ढूंढता हूँ तब वो मेरे को मिलता नहीं है। वो कोई भी डाइनो देख लूँ, मैं कुछ भी आइटम देख लूँ, जब ढूंढता हूँ तब वो चीज मिलेगी नहीं, जब नहीं ढूंढते तब मिल जाती है। फिफ्टी परसेंट दो बार केयर मांगता अपना ये यूट्रेनस, एक एक बार केयर देने से 50% होता है इसका इम्प्रिंट, तो दो बार में दो करके 100% इम्प्रिंट होता है ये। तो मैं एक भी इम्प्रिंटिंग इसकी मिस नहीं करना चाहता, दैट्स वाई डोडो को अपन फिर देख लेंगे। एंड पहले इम्प्रिंटिंग की तरफ चलते हैं अपन। एक मेल पैरासोर तो आ ही गया अपने पे, फीमेल में देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इजी जोन में जाना पड़ेगा आई थिंक सो अपने को पैरासोर ढूंढना है तो, क्योंकि इधर हार्ड जोन में पैरासोर कम स्पोन होते हैं, इजी जोन में ज़्यादा स्पोन होते हैं पैरासोर्स। लग भी नहीं रहा कि मैंने गामा ऑन करके रखी है, इतना अंधेरा दिख रहा है। अगर मैं गामा ऑफ कर दूँ तो, ये देखो यह गामा ऑफ करने के बाद है, दिख भी नहीं रहा कुछ। वैसे एक कंगारू और था इधर जितना मेरे को याद है, दो कंगारू थे इधर एक्चुअली में। एंड ये देखो पानी इधर, ये येलो एंड रेड कलर का वोटर है इधर ही से, ये गामा में ऐसा दिख रहा है। दो कंगारू थे इधर आई थिंक सो, बाकी देखना पड़ेगा मेरे को। अगर इस बार मेरे को दिखाना कंगारू तो मैं काम करूंगा, पहले उस पर बोला मारूंगा फिर उसको टेम करूंगा, क्योंकि बिना बोला मारे टेम नहीं करूंगा इस बार में, वरना वो फिर से भाग जाएगा एंड उधर चला जाएगा अपने डाइनोज के पास एंड उसको निपटा दिया जाएगा। चलो कुछ तो रोशनी हुई, पता नहीं उधर मिड में इतना अंधेरा था। इधर आई थिंक के जो एक तो बारिश नहीं हो रही ना इधर, एक तो उसकी वजह से भी रोशनी है, बारिश नहीं हो रही तो ज़्यादा रोशनी होती है, बारिश होती है तब रोशनी बहुत कम हो जाती है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल ही घट जाती है बारिश में। सबसे पहले तो मेरे दिमाग में यही है कि उसकी बस टाइम ना निकल गया हो केयर देने का। एंड थोड़ी सी मैं बेसिक केबल बना देता हूँ, क्योंकि क्या पता ये फिर से मांगने लग जाए कि बेसिक केबल। तो तीन एग तो है अपने पे, तो तीन तो बेसिक केबल बना देता हूँ मैं, क्योंकि क्योंकि उसने जो अपना सेकंड टाइम इम्प्रिंटिंग में केयर पे मांगी थी बेसिक केबल, तो बेसिक की वे बना देता हूँ थोड़ी सी मैं। एंड पहले तो इसको लैंड करते हैं इधर। एंड ऑफलाइन अब मैं क्या करूँगा, अपने जो मेगाथीरियम्स है ना इनका डेवलप करूँगा, एंड ब्रीडिंग वगैरह तो चल ही रही है अपनी। इसको कहाँ निकालूँ, इसको मैं निकालता हूँ उधर। मैं सोचा ये ऊपर जाएगा बट इधर ही निकल गया ये तो। नाइस, मेरे को लगा ये तब निकलता डाइनो जब ये इस पे फ्लोर पे टच होता अपना क्रायोपोड, बट नहीं, निकालते ही निकल जाता है सीधा, जैसे अपना पोकेमोन में होता था ना, जैसे वो बॉल को निकाल के ऐसे फ्लोर पे मारते थे तब निकलता था। कितना टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है इसको, आधा घंटा पड़ा है। वाह, ऐसे ही आए अपन, कुछ भी नहीं किया, बस गए जाके पकड़ा मेल वाला एंड पकड़ के वापस आ गए। चलो कोई नहीं, फिर मैं काम करता हूँ इधर, देखता हूँ मैं, मेरे को मिल जाए तो कोई आसपास।
आसपास देखता हूँ मैं कोई मिल जाए तो अपने को। एंड कितना टाइम से एग्जैक्ट इसको 30.8 फूड फूड है इस पे इनफ, तो देखता हूँ मैं इधर आसपास कोई मिले तो मेरे को। ठीक है पानी अभी है। एंड इधर अगर मैं इसमें डाल दूँ तो मेरे को दिखे तो कोई, क्योंकि आई थिंक नहीं वो फेंस के ऊपर इधर कूदा था तो आई थिंक बाहर निकल जाएगा वो। इधर नहीं है, नॉट है, थोड़ा सा जंगल में जाके देखते हैं दिखे तो। इधर अंदर जंगल में तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो इधर ही मिलेगा, इधर आसपास ही घूमते रहते थे ये। ये वह देखो, क्योंकि मैं बोला था ना इधर आसपास ही घूमते थे ये, ज्यादा स्नो में नहीं जाता था ये एंड ज्यादा डार्क फॉरेस्ट में भी नहीं जाते थे ये। बोला निकालूँ सबसे पहले तो मैं, एंड इधर है ये, वेयर इज आवर डूड। इधर ये वह Nope. बोला कामयाब नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इधर अपना ट्रैप भी है पास में तो एक तो काम करता हूँ इसको ट्रैप में डालता हूँ रोबिन से जाके, क्योंकि बोला काम नहीं किया इसके ऊपर, डोंट नो वाई बट बोला काम नहीं करता इसके ऊपर, क्योंकि डैमेज लगा जीवो का इसको बट ये भाग गया फिर, क्योंकि बोला लगते ये हिलना नहीं चाहिए था वैसे तो, बट काम नहीं किया बोला इसके ऊपर। कोई नहीं, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस की कमी थोड़ी ना अपने पास। बोला रख देता हूँ पहले तो मैं वापिस, ट्रांसफर एंड रेयर मशरूम दे देते हैं थोड़े से। नाइस एंड अभी चलते हैं, मैं उसको ट्रैप में डाल दूंगा जो अपना ट्रैप था ना जिसमें अपन डाइनो पकड़ते थे उसमें डाल दूंगा, एक काम करूंगा रोबिन काफी हेल्पफुल होता है अगर आप अर्जेंट ट्रैवल्स को पकड़ लेते हो ना तो आपको काफी हेल्प मिलती है इससे, बहुत बढ़िया चीज है अर्जेंट ट्रैवल्स एकदम। इधर भी कहीं पे है ना, बस ये उधर ना चला जाए वापिस, मेरे को इसी चीज का डर है। वो रहा उधर, देयर ही इज, कम हियर ड्यूड, बट द हैक, हम उठा नहीं सकते क्या इसको सीरियसली? इतना कितना वेट है इसका जो रोबिन इसको उठा नहीं सकता? डैम डूड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। यप रोबिन नहीं उठा सकता इसको, तो एक काम करता हूँ मैं, इधर ही अपनी प्रक्रिया चालू कर देते हैं। ये वुड के बीच में अटका हुआ है, एक दो तीन
चार। ये इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने, बड़ी वो भी नहीं उठा नहीं सकता इसको। एंड जैसे इसका फूड जाएगा तब ये खाएगा वेयर मशरूम, एंड फिर टेम हो जाएगा ये कंगारू। प्रोकोप्टोडोन, प्रोकोप्टोडोन इसकी सैडल देखता हूँ मैं तब तक। प्रोकोप्टोडोन सैडल अनलॉक कर रखी है वैसे तो अपन ने, कि स्मिथी में बनती है इसकी सैडल। पैल्ट लगता है मेटल हाइड फाइबर, ठीक है अपने पे सब कुछ। एंड काम करता हूँ मैं, सैडल लेके आ जाता हूँ तब तक इसकी, सैडल में क्या नारकोटिक लेके आ जाता हूँ। मेरे को लगा नहीं था वो भी उठा नहीं सकता इसको, बट सही है इधर ये वुड में अटक गया था पेड़ों में, वरना ये फिर से इधर भाग आता। एक चीज पता है, जो नया डाइनो ना, मेरे को इसकी एक चीज सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि जब ये वेस्ट मोड में जाता है नया डाइनो, तो जो इसका जो जो इसको बैठ के उड़ा रहा होता, चला रहा होता है ना, जो ओनर होता है यार, व्हाट द हैक, सीरियसली यार ये क्या ही सीन है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ जो इसका ओनर होता है ना, जो इसको बैठ के राइड करता है, एंड जब ये वेस्ट मोड में जाता है ना, तो अपने ओनर को नीचे नहीं उतारता। जैसे गीगा का क्या सिस्टम होता है, जैसे ही वो वेस्ट मोड में जाता है ना गीगा, तभी अपने ओनर को नीचे उतार देता है वो, बट इसका ऐसा सिस्टम नहीं है। नारकोटिक चाहिए अपने को, ये नहीं उतारता ओनर को नीचे, ये मेरे को सबसे अच्छी चीज लगी इसकी। गीगा फिर नहीं देखता, जो इसके सामने आता है हर किसी को मारने लग जाता है गीगा। चलते हैं अभी एक बार उसके पास, प्रोकोप्टोडोन के पास अपने। बट मेरा गीगा अभी तक कोई भी गीगा वेस मोड में नहीं गया है सेफली, इसीलिए गीगा के ऊपर मैं बहुत कम राइड करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को डर रहता है गलती से इसको कहीं पे ज़्यादा डैमेज मिल गया ना, एंड ये वेस मोड में चला गया तो सामने वाले को तो मारेगा ही मारेगा, एंड साथ में अपने को भी मारेगा ये। हो गया टीम, टेम भी हो गया, नाइस। एंड कायोपोड नहीं है अपने पे, अब देखता मैं अब उठाता कि नहीं वो भी नहीं। इसको उठा लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं है साइज में ये, जो ये हो कि उठे ही ना। नहीं उठा सकता इसको सैड लाइफ, तो इसकी सैडल बना के जाता हूँ मैं, काम करता हूँ एंड राइड करके जाते हैं उसको। बट पता नहीं क्यों नहीं उठा सकता, वेट भी ज्यादा, वेट ज़्यादा होगा क्या उसका। बट एंकी को उठा सकता है ये, एंड उसको नहीं उठा सकता। इंटरेस्टिंग है काफ़ी। गामा बंद कर देते हैं, ठीक है, एंड सर्डर बनाते हैं अभी उसकी। हाइड कम मिलेगी आई थिंक सो, एंड हाइड दे देता हूँ मैं थोड़ी सी, ठीक है। एंड ट्रांसफर होल, ट्रांसफर वे मशरूम, नारकोटिक भी डाल देते हैं। वे मशरूम हो गया, नारकोटिक हो गया, एंड शोक टाट। हम्म।
एक सैडल बन जाएगी पोकोप्टोडोन। कैंगेरू आ गया अपना, कैंगेरू बॉय। अगर ये ना होता तो काफी हार्ड होता है इसको टेम करना, भगाता ही अपने को काफी। तो फिर मेरे को एक काम करना पड़ता, जो उधर अपने डाइनो है ना उनका अग्रेसिव लेवल मेरे को न्यूट्रल करना पड़ता वापिस, एंड फिर टेम कर पाते अपन इसको, क्योंकि भगाता बहुत ही अपने को। सडल हेल्थ अभी मैं इसमें कोई भी मैं नहीं लगाऊंगा पॉइंट, पहले मैं देखूंगा। ओके जंप करता है स्पेस से, बहुत ऊंची जंप करता है ये वैसे। यप वैसे तो ये निकल सकता था इसके ऊपर से, मस्त है काफी वैसे तो। ये खाना खा लेते हैं थोड़ा, GGWP एकदम। देखो मस्त एकदम स्लो मोशन में जंप करता है ऐसा लगता है जैसे। बाकी इसकी मूवमेंट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मेरे को, स्टेमिना इसका ठीक है, बहुत लंबी जंप लेता है वैसे ये, काफी लंबी जंप लेता है। देखो ये देखो कितनी लंबी जंप ली है इसने, बहुत लंबी जंप लेता है ये। एंड मेरे को एक बार इसके वो देखने दो कंट्रोल्स में क्या क्या है, ऐसे की को मारता है ये सामने आके, ऐसे बुड़का भरता है ये। ठीक है थोड़ा डेवलप कर लेते हैं यार, मैं ये डैमेज में क्यों लगा दिया मैंने, कोई नहीं चलो बहुत डेवलप अभी तो अपने पे मस्त। बाकी देखो कितनी लंबी जंप ली इसने, नॉर्मली थोड़ी जंप देता बट जब मूवमेंट के साथ जंप देते हैं ना अपन इसको, फिर बहुत लंबी जंप देता है ये। देखो कितनी बड़ी जंप देता है, इनसेन है एकदम ये जंप लेने में, तो सबका बाप है ये मेरे को ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट लेवल पे है जंप लेने में तो ये, तो मज़ा आएगा इसको। बस इसकी मेरे को मूवमेंट स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ये देखने तो मेरे को ये इसके ऊपर से जाता है कि नहीं अपनी फॉल्स के ऊपर से, थोड़ा सा दूर से लेनी पड़ेगी जंप। हाइट कम आई थिंक इसकी जंप की, यप हाइट कम है इसकी जंप की बट लेंथ बहुत ज़्यादा है इसके जंप की, लंबी जंप लेता है ये काफ़ी। ये देखो कितनी लंबी लेता है जंप ये, पता नहीं फिर से बारिश हो गई भाई, क्या करके मानेंगे ये आर्क वाले भी, इतनी बारिश क्यों कर रहे हैं। जी जी है एकदम ये, एंड स्टेमिना भी बहुत है इसका, बहुत ज्यादा है इसका स्टेमिना। जी जी है एकदम मस्त है एकदम। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए भी बस इतना ही, एक बार इनके जब जब देख लेता हूँ मैं फिर देते अपना आउट्रो। मेरा डैमेज में इसके तो पॉइंट, ये देखो कितना मीट इकट्ठा कर लेती हैं ये, मीठी मीठी इकट्ठा करते हैं।
बट जब ये गीगा चलता है ना तब सॉलिड साउंड आती है बिल्कुल। एंड जब ये चलता है ना अपना ये कार्को डोंटोसोरस, तो ऐसा लगता है होलो है, इसके बॉडी होलो है, अंदर से सॉलिड नहीं है। गीगा जब चलता है तब तो बिल्कुल एकदम वो सॉलिड चीज चलती है, ऐसा लगता है जैसे मस्त है एकदम। वैसे दोनों ही एंड फोग भी बढ़ गई है, सर्दियों का मौसम है एंड आर्क में भी देखो सर्दी हो गई है, धुंध हो गई है, अच्छी बात है। मैचिंग मैचिंग हो गया एकदम। तो आई थिंक आज की वीडियो के इतना ही फिर, तो ठीक है गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।